नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 28 फरवरी को पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया था। भारतीय टेस्ट टीम के सदस्य बेंगलुरु के 31 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप के साथ पंजाब किंग्स द्वारा बनाए गए दो खिलाड़ियों में से एक थे। अग्रवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मैं 2018 से पंजाब किंग्स में हूं और इस शानदार इकाई का प्रतिनिधित्व करने में मुझे बहुत गर्व है। मुझे टीम का नेतृत्व करने का मौका दिया गया है, फ्रेंचाइजी द्वारा जारी किया गया। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से लेता हूं, लेकिन साथ ही मुझे विश्वास है कि इस सीजन में पंजाब किंग्स टीम में हमारे पास मौजूद प्रतिभा के साथ मेरा काम आसान हो जाएगा। अग्रवाल 2018 से पंजाब किंग्स का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उन्होंने टीम के उप कप्तान के रूप में काम किया है और पिछले सीजन में टीम का नेतृत्व भी किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।